सो गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन गाइज। इस समय मैं खड़ा हूँ नेपाली फॉर्म क्रॉस करके, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ शायद आप यकीन नहीं करोगे, कुछ दिन पहले रात को आते समय यहाँ पे मैंने देखा था लेपर्ड, मतलब वहाँ से बाहर आया था और एकदम से रोड क्रॉस करके इधर की तरफ निकल गया था। और उस समय शाम के 7:30 का टाइम था जिस समय मैं रोज ऑफिस से निकलता हूँ। एक बार को देख के मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि मेन रोड पे ऐसे कैसे लेपर्ड आ गया, बट यही है ये जंगल। एनीवेज गाइस, आज दिन में आने का मौका मिल गया तो वीडियो बना रहा हूँ, वरना रोज तो क्या हो रहा है कि सुबह निकले जल्दी रात को आए लेट, तो अंधेरे और अंधेरे के बीच में ही पूरा दिन निकल जा रहा है, इसीलिए वीडियो रेगुलर आ नहीं पा रहे हैं। कल रात वाला वीडियो भी आपने देखा होगा जो मैंने बनाया था, वो हर की पौड़ी पे मैं जब रात को पहुंचा लगभग 8 बजे अपने घर जाते समय, तो मेरा मन था एक हर की पौड़ी का वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने बनाया वो। एंड अब मैं यहाँ से निकला हूँ ऋषिकेश से, ऋषिकेश आज संडे है फिर भी आया था, कुछ काम था मुझे तो ऋषिकेश से मैं निकल रहा हूँ। थोड़ा दिन का टाइम है तो सोचा कि रायवाला वाली साइड आपको थोड़ा दिखाता चलूँ कि क्या चल रहा है रायवाला में। हालांकि एक छोटी सी क्लिप मैं इसमें लगा रहा हूँ, आप तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी रायवाला में कुछ जो भी इंजीनियरिंग वर्क हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको बनने में, जो अंडर पास है उसको। उसके अलावा ये मैं सत्यनारायण मंदिर क्रॉस कर रहा हूँ रोज की तरह, पर आज दिन के टाइम। अब सर्दियां जा चुकी हैं, गर्मियां अब आ ही चुकी हैं, और कुछ चैलेंजेस जो मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड मुझे आ रहे हैं वो ये है कि हेलमेट थोड़ा पुराना हो गया है, जो अब सर में पूरी तरह फिट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जब मैं मोबाइल लगाता हूँ हेलमेट पे तो उसके वेट से बार बार हेलमेट नीचे आ जाता है। एनीवेज, ये मैं इस समय रायवाला सामने जो आप अंडरपास देख रहे हो, जो मैंने अभी वीडियो में भी दिखाया था, मतलब काम जो है ना अब एक अलग अलग तरीके से हो रहा है। बताया था इसमें कि अभी 2 महीने का टाइम लगेगा इसको बनने में, तो मेरे सामने एग्जैक्टली आप देख रहे हो सनलाइट, अगेन डिस्टर्बिंग आवर वीडियो, बट तो एक लिंक के थ्रू मैंने एक वीडियो देखा था जो किसी अपने सब्सक्राइबर भाई ने ही भेजा था कि अभी इस काम को होने में लगेंगे कभी करीब 58 से लेकर 60 दिन, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स। तब तक ये बाईपास किया है रास्ता, यहाँ से निकल के जाओ और उसके बाद सीधा ऋषिकेश देहरादून जा भी जाना है आपने। जो मैं देख पा रहा हूँ अभी भी इसमें ये है कि पूरी तरह पहाड़ी के जो अवशेष हैं उसको हटाया नहीं गया है इस गार्डर के नीचे से, इसीलिए अभी आप इसके आर पार नहीं देख पा रहे होगे। ये जो सामने दिख रहा है आपको अंडरपास का ये वाला एरिया, एक वो है और एक इधर वाला है, तो इधर वाले के सामने जो पहाड़ी अभी एज इट इज़ है, तो ये है इसकी अभी हकीकत, जिसकी वजह से मैं कोई अपडेट अभी दे नहीं पा रहा हूँ। अब रायवाला के जो दूसरी साइड है, मैं एक काम करता हूँ, पूरा ना चक्कर मार के आता हूँ ऐसे गोल घूम के और फिर वापस निकल जाऊँगा हरिद्वार की तरफ। पहले मैं ग्राउंड मार के आता हूँ पूरा और आपको दिखाता हूँ क्या है यहाँ का नज़ारा दूसरी साइड से, और फिर उसके बाद वापस निकल जाएंगे हरिद्वार की साइड। अच्छी बात यह है कि जो रोड वाला काम है ना वो अपनी तरफ से करके रख रहे हैं, बस जो अंडरपास के ऊपर वाला गार्डन वाला जो पार्ट है, अंडरपास, ओवरब्रिज, वट एवर, इसलिए क्योंकि जो मेरे को सही चीज़ नहीं पता तो मैं आपके छोड़ता हूँ उसे करेक्ट करने के लिए, आप उसे करेक्ट कर लेना। अब ये अंडरपास कहें या इसको ओवरब्रिज, उसके अलावा बाकी सारा काम जो है करते चले जा रहे हैं। पेंटिंग वेंटिंग का काम है थोड़ा बहुत, ये देखो जी पेंटिंग बना रहे हैं यहाँ पे पहाड़ियों की, झरनों की। ओके जी, और ये है जी अंडरपास इस समय सामने मेरे। देखो जी जो यहाँ वाला पार्ट है ना, यानी कि रोड वाला पार्ट जो है, उस पर धीरे धीरे काम चल रहा है। अरे वाह,
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ पर भी दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है जी, उसके अलावा ये आप नीचे देख रहे हो पूरा एरिया अंडरपास का, सामने से गाड़ियाँ आया करेंगी और सीधा इसके अंदर जाया करेंगे और उसके बाद बाहर निकल जाया करेंगे यहाँ से। तो ये है अंडरपास की समय करंट सिचुएशन। दोनों तरफ सर्विस रोड बनाई जाएगी, इधर भी और उसके दूसरी साइड भी, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है कि इसे टाइम कितना लगेगा। तो टाइम इसमें लगभग 2 महीने का लगेगा शायद। और खुलने में अभी शायद 1-1.5 महीना और लग जाए, करीब करीब 15 से 20 दिन इस बात को हो चुके हैं जब मैंने पिछला वीडियो डाला था, और तभी मैंने वो वीडियो देखा भी था जिसके अंदर एक न्यूज़ चैनल ने किसी इंजीनियर से बात की थी, तो उन्होंने बताया था करीब करीब 2 महीने का टाइम इसके अंदर अभी लग जाएगा। बट आज की सिचुएशन ये है कि उस बात को 15-20 दिन हो चुके हैं, तो शायद 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर ये काम अब हो जाएगा। एंड उसके अलावा अब जो भूपत वाला भी फ्लाईओवर है, मैं सीधा ना आपको वहाँ पर दिखाता हूँ वीडियो अब, क्योंकि वो जो है इस समय थोड़ा सा उस पर काम रुक गया है, या बोलें कि बहुत ही कम लेबर उस पर लगी हुई है इस समय जो कि देखने को मिलती है। शायद कुंभ की वजह से हो सकता है कि अभी कुंभ तक ना ही हो काम और कुंभ के बाद ही दोबारा काम शुरू हो। तो जी मोतीचूर कॉरिडोर क्रॉस करके और शांति कुंज का एरिया भी क्रॉस करके मैं पहुंच चुका हूं दूधाधारी चौक वाले एरिया पर, और आपको सामने दिखाई दे रहा होगा जो दूधाधारी चौक पर बन रहा है फ्लाईओवर। जय भोलेनाथ जी, हर महादेव। सो ये है हमारे सामने दूधाधारी चौक वाला फ्लाईओवर, कितना बन के तैयार हुआ है, पूरा ब्रिजिंग पार्ट तैयार है इसका। जो काम बाकी है वो है अब इसमें जो इंक्लाइनिंग वाला पार्ट शुरू होगा इस तरफ से और उधर से भी, यानी कि दोनों साइड से इंक्लाइनिंग और डिक्लाइनिंग के पार्ट पे काम होना है इसके। उसके अलावा ये पूरा बन के अब तैयार है। तो इसके चारों तरफ मतलब दोनों तरफ ना ये इस तरीके से बैरिकेडिंग टाइप की जा रही है, शायद कुंभ के वजह से कि बद्दा ना लगे और इसका जो सामान है धूल मिट्टी है उड़ उड़ के रोड पे ना आए, कुछ इस वजह से शायद शेड वगैरह डाले जा रहे हैं दोनों साइड में। और बस ये है कि दोनों साइड में जो ब्रिजिंग पार्ट है, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तो भाई साहब इसका जो है डिक्लाइनिंग पार्ट यहाँ पर बनना शुरू होगा। एनीवेज इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियोस इफ यू आर नॉट शेयरिंग, कीप लाइकिंग द वीडियोस इफ यू आर नॉट लाइकिंग, एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब। और ये हमारा चंडी घाट, कभी हम नीचे से निकला करते थे, अब हम इसके ऊपर से निकल जाते हैं।